दोस्तों हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। जैसा कि हमने देखा अभी फ्राइडे को निफ्टी बैंक क्या हुआ कि ये जो लेवल हमने एक अभी प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि 54,500 का लेवल, दोस्तों हमने बात किया था कि हो सकता है इस 54,500 के लेवल के आप साथ से हो सकता है निफ्टी बैंक हमको डाउन आती हुए दिखाई दे। और दोस्तों लगभग आप देखेंगे चीज़ें वैसी हुई जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में और टेलीग्राम पर अपडेट किया था। आप देखिए उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, हमने टेलीग्राम पर इसको अपडेट किया कि अगर ऊपर हम जाते हैं तो जो लेवल हमारा निकल कर रहा वो आ रहा लगभग 54,500। अब आप क्लियर कर देखिए दोस्तों, इसको आप ध्यान से अगर देखते हैं तो जब निफ्टी बैंक जो है 53,793 मोटा मोटा 53,800 पर थी, तब हमने इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया था कि 53,800 से 54,500 तक अभी इसमें मार्जिन है जाने का। तो दोस्तों मुझे लगता है 53,800 पर कोई चीज है, वहां से 54,500 हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया और लगभग वहां तक हमको निफ्टी बैंक में देखने मिला। दोस्तों कोई कम नहीं है, ये 700 पॉइंट्स का मूव हमको देखने मिला और वो लगभग उसी कहीं एरिया से नीचे भी निफ्टी बैंक आई 10-20-30 पॉइंट। दोस्तों कोई बात नहीं होती है, जो इंडेक्स 54,000 का है उसमें 10-20-30 पॉइंट का पहले कुछ ले जाती है, उतना ऊपर नीचे चलता है। तो दोस्तों मेरा मतलब यह है, हमें दिखाते इस चीज को कि इससे आपको ये चीजें पता लगे कि हम जो स्टडी कर रहे हैं हम सब जो कर रहे हैं वो एक सही दिशा में है, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, जिससे हम इस क्षेत्र में और अच्छा काम करने के लिए हमको मजबूती मिलती है। दोस्तों अब दोस्तों हम निफ्टी में अगर आगे आते हैं, अब हम टाइम फ्रेम ओपन कर जा रहे हैं दोस्तों 2 आवर का। पहले तो हम 2 आवर की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब 2 आवर के टाइम फ्रेम पर हम जा रहे हैं निफ्टी बैंक में, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक में 2 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक नीचे आते समय इसने एक सप्लाई जोन बना दिया है। अगर मैं उस सप्लाई की बात करता हूं दोस्तों, तो वो कोई एरिया लगभग अगर बात की जाए यहां कहीं निकल के आ रही है। ऊपर तो बहुत बड़ी एरिया जा रही है, लेकिन क्या करें, कोई भी लाइन मार्क करना स्टडी बेसिस पर वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सब चीजें प्राइजेशन पर डिपेंड है, जो जैसा मार्केट चाहेगी हम वैसे मार्क कर सकते हैं खुद को खुश करने के लिए कि हे भैया हमने तो खाली 20 पॉइंट का असर रखा है, वो नहीं, ये मार्केट बताएगी कि कितने पॉइंट का असर होता है क्या होता है। बाकी दोस्तों वीडियो में डिस्क्लेमर यही है, एसएल टारगेट या एंट्री जो कि बात करता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है, उसे आप कोई रियल मत समझें, ठीक है। कुछ कर सकते हैं तो पेपर ट्रेड आप इस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं सप्लाई जोन बना दिया है। और सप्लाई थ्योरी क्या कहती है, अगर सप्लाई जोन अच्छा है तो वहां से प्राइस जो है नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉपर इसकी मार्किंग करते हैं 2 आवर के सप्लाई जोन की, तो दोस्तों मार्क करने का जो लेवल आ रहा निकल करके वो आ रहा है 1,000। मतलब दोस्तों एक हमारे सामने जो सप्लाई जोन आ रहा है उस अगर मैं उस एक रेंज को मार्क करने की कोशिश करता हूं, तो रेंज आ रही है ऊपर की जो लाइन है वो है 54,469 और जो नीचे की लाइन है वो 54,216। इस एरिया में सप्लाई जोन है जो मुझे लगता है कि अब निफ्टी बैंक को परेशान भी कर सकता है ये एरिया, मतलब अगर हम निफ्टी ऊपर जाए तो हो सकता है परेशान इसको करे, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, नीचे आते हैं। अगर हम अब हमारे दोस्तों प्राइस ऐसा बन ही गया है कि आज मुझे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ रहा है। अब आप कहें सर आज कभी 1 आवर कभी 2 आवर, देखिए दोस्तों क्या है स्टॉक मार्केट का चार्ट, ठीक है, पढ़ना मुझे लगता है अगर हमें कोई स्टडी प्रॉपर आती है तो आसान है, नहीं तो ये चीज इतनी आसान भी नहीं है। मैं क्यों झूठ का मुंह का बोलूं कि एकदम आसान है मार्क कर लीजिए यहीं से चीजें हो जाती है, ऐसे हो जाती है, सब कुछ प्राइसन डिसाइड करता है, लेकिन सीखने वालों के लिए हर एक चीज बहुत ही आसान है और ना सीखने वालों के लिए हर चीज हमेशा मुश्किल ही बनी रहती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं निफ्टी बैंक में, ठीक है, तो 15 के टाइम फ्रेम पर आने पर दोस्तों हमको निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं यहां पर
एक डिमांड जो नजर आ रहा है, मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों। कहीं ना कहीं यहां पर एक ये रेड कैंडल है, इन सबको मैंने मान लिया बेस कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, मतलब ड्रॉप बेस रैली का इस एरिया में एक डिमांड जोन निफ्टी बैंक में बना हुआ है। मैं एक बार इसको मार्किंग करता हूं, मैं टेस्ट में जाता हूं, सिलेक्ट करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे वो लंबी एरिया आ रही है मार्क करने के हिसाब से तो प्राइस बहुत नीचे आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट निकालने की कोशिश करता हूं कि जहां कहीं लगाव टाइम उसके आसपास से इस लाइन को एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं तो भी क्या लाइन आ सकती है, तो कम से कम यहां तक तो लाइन जाएगी जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें को लेकर लाइन जो हम मार्क करते हैं, करंट मार्केट के सिचुएशन प्राइस एक्शन से डिसाइड हो पाता है कि क्या लाइन सही हो सकती है, ठीक है। अगर मार्क करते हैं तो डिमांड जो आ रहा है इस पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, वो लेवल आ रहा है, लेवल मतलब लाइन, ठीक है, 53,412 और नीचे का करते हैं 53,250, ये एक डिमांड जोन आ रहा है दोस्तों। बाकी नीचे का जो लेवल है वो करंट सिचुएशन से डिसाइड हो पाता है, मतलब निफ्टी बैंक में यहां पर नीचे जो है कहीं ना कहीं यहां पर हम देख रहे हैं डिमांड जोन है कहां पर, ये हमने यहां पर चीजों को लिख दिया है आपके सामने, ठीक है। इसको हम वॉच कर सकते हैं, रियल ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो पेपर ट्रेड करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमने दोस्तों यहां पर निफ्टी बैंक में हमने मार्क किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एक बार दोस्तों हम जरा एक काम करते हैं, डेली की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर हमने यहां पर इतनी चीजों को निकाल दिया और आप देखिए हमने जो 50 मिनट का यहां पर डिमांड जोन मार्क किया है, अब आपको समझ आ रहा होगा कहीं ना कहीं इस एरिया में ही जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है डेली के टाइम फ्रेम पर, जो ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, रैली ये हो गई बेस कैंडल और ये रैली, वहीं पर देखिए 15 का टाइम फ्रेम का हमने डिमांड जोन मार्क किया है, इसलिए मार्क किया, यही लॉजिक इसका है, ठीक है। बाकी बीच से प्राइस कहीं भी जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम जाए काम करते हैं निफ्टी 50 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इन भाई साहब का क्या मूड है, ठीक है। दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में हम देख रहे हैं, वैसे तो हमने पहले से ही एक डिमांड जोन मार्क किया हुआ है आप देख रहे होंगे, लेकिन अभी निफ्टी 50 से बहुत ऊपर है, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी 50 अभी तुरंत इस हफ्ते यहां पर आ जाएगी, काफी इससे ऊपर जा चुकी है निफ्टी 50, और वैसे भी मुझे निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के कंपेयर में स्ट्रांग ही काफी टाइम से लग रही है, ठीक है। अब हम दोस्तों अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, इसको भी दोस्तों अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं एक बार, ठीक है, 1 आवर तो है ही है, हो सकता है वहां पर 2 आवर भी हो, 2 आवर भी है, 1 आवर भी है, ठीक है। और अगर 1 आवर पर जाते फिर से अगेन तो वही लेवल लेकर के आ रहा है, ठीक है, ये चीज है, मतलब 2 आवर भी है, 1 आवर भी वहां पर है अवेलेबल है, मैं इसकी बात दोस्तों कर रहा हूं, मतलब 2 आवर के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 में एक डिमांड जोन है, मैं दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं। ये ग्रीन कैंडल है तो हो गया रैली, ये क्या है बेस कैंडल है और क्या है एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं आर बी आर पैटर्न का एक डिमांड जोन निफ्टी 50 में 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर दोस्तों है। तो हम एक बार करते हैं इसकी भी करते हैं प्रॉपर मार्किंग इस डिमांड जोन की दोस्तों, ठीक है। टूल में जाते हैं, यहां सेलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए हम बिग टू बी मार्क कर सकते हैं और हम बॉडीज भी मार्क कर सकते हैं, ये सब डिसाइड करता होता है करंट मार्केट के सिचुएशन एंड प्राइस एक्शन से, ठीक है। तो एक बार लेते हैं डेली, देखते हैं कि डेली के हिसाब से कहां इसकी क्लोजिंग है, डेली के हिसाब से जो इसकी क्लोजिंग है एक बार इसको मार्क कर लेते हैं इस लाइन से, मतलब यहां कहीं निफ्टी 50 जो है, यहां कहीं
निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुई है, ठीक है, थोड़ा और नीचे हुई है, यहां कहीं हुई है, ठीक है। अब आते हैं वहां से हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। इस लाइन को करते डिलीट क्योंकि लाइन अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रही है। अब आते हैं हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर। जब हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं, अब हम इसकी मार्किंग करते हैं, देखते हैं लेवल कितना ऊपर निकला, उस हिसाब से थोड़ा डिसाइड होता है, अप्रोक्स कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हिसाब से मैं इसको एक काम करता हूं दोस्तों, मैं बिट्टू बिखील ऑलमोस्ट इसको मार्क कर रहा हूं, अभी मैं इसको बिट्टू भी मार्कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर हम निफ्टी 50 में देख रहे हैं तो निफ्टी 50 में भी एक डिमांड जो निकल के आ रहा है उसका क्या रेंज है, जो ऊपर लाइन है वो है 26,112, 26,112। जो लोअर लाइन है वो क्या है, 26,035, 26,112 पे अपर लाइन है और जो लोअर लाइन है वो 26,035 पर है, यहां डिमांड जोन है। ये तो अच्छी बात है, ठीक है, डिमांड जोन थोड़ी यही कहती है, अगर कोई डिमांड जोन आपका अच्छा है, प्राइस उसमें आती है, वहां बायर अपना दिखाते हैं इंटरेस्ट, तो वहां से प्राइस में गेयर अप मूव आ सकता है। ओवरऑल हम देख रहे हैं दोस्तों, निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक में हो, वहां पर हम देख रहे हैं नीचे बैक टू बैक डिमांड जोन है, तो इन किन्हीं एरियाज में अगर मार्केट आती है तो हो सकता है मार्केट यहां से अच्छा सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक रहे। मतलब दोस्तों जो मैं चार्ट देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी पैनिक होने लिए कोई सिचुएशन नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर हम पैनिक हो, ठीक है, ऐसा कुछ करे मार्केट है। देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे आ सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट ऐसे जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो कहता हूं मार्केट में लंबे समय तक टिकना है, बड़ा पैसा बनाना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही चार्ट रीड करें, जितना शॉर्ट टर्म पर हम फोकस करेंगे हम उतना ही छोटा पैसा बनाएंगे, उतने ही छोटे ट्रेडर हो पाएंगे। और दोस्तों ये 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट की ट्रेडिंग दोस्तों आप में से पैसा कमाते हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, बट मुझे ये 3 मिनट जो मैं अपने दोस्तों बात कर रहा हूं, किसी से बात नहीं कर रहा हूं, ये 3 मिनट 5 मिनट की ट्रेडिंग मुझे दोस्तों अगर कुछ लगता है तो उसको मैं एक नाम दे सकता हूं, वो है जुआ। जुआ हो सकता है दोस्तों, ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, मतलब ऐसा मैंने अपने साथ किया है और लॉस में रहा है, इसलिए मैं इसको गुस्सा होकर के बोल रहा हूं कि मैंने कुछ दिन मैंने भी जुआ, इसमें मैं भी जुआरी बन गया था मार्केट का। जुआ खेलो, भाग रही है पकड़ लो, अरे गिर रही क्या करें, इसी में उलझे रहे, लेकिन कहीं जाकर जो है सीख मिली। कहते हैं जब जागो तब सवेरा है, लेकिन दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में कहता हूं जब जागो तब सवेरा नहीं है, तब सवेरा नहीं है। क्यों, मेरे पास सपोज करिए मैंने एक छोटे फंड 1 लाख के कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, हमने पूरा 1 लाख जीरो कर दिया, अब हमारे जगने से फायदा ही क्या रह गया है, अब हम क्यों ना कितने बड़े भी विद्वान बन जाए, लाख हम जो डिसाइड करें प्राइस वैसे ही रेट करें ऊपर नीचे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कमा पाएंगे। तो यहां पर ये जब जागो नहीं, इसके लिए हो सकता है अभी जाग जाओ तो सवेरा है, लेट में जागोगे तो सवेरा नहीं मान सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों खास बात लास्ट में, दोस्तों हम अपने टेलीग्राम पर काफी चीजें अपडेट करते रहते हैं जो कि यूट्यूब पर बैक टू बैक अपडेट कर पाना मुश्किल होता है, तो दोस्तों अगर आप हमारे असली वाले ट्रेडर चलो, दोस्तों असली बोलता रहता हूं, असली इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहिएगा, क्योंकि खास बात यह है हमारे असली चैनल को आप ज्वाइन करते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे असली वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब असली मतलब कि जो मेरा चैनल है वही असली है, बाकी मेरे नाम जो भी चैनल है उनको आप फेक मानिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, चल वहीं से ज्वाइन करें, प्लीज कहीं और से मत ज्वाइन करें। और दोस्तों और खास एक चीज दोस्तों, हमने जो भी यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी यहाँ पर हमने मार्किंग किया, जो भी बात की, ठीक है, उससे आप प्लीज कोई रिकमेंडेशन किस मत समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज से जो मेरी स्टडी है उस हिसाब से मैंने आपके सामने पेश किया है। एक इंसान है उससे स्टडी करने में मिस्टेक भी हो सकती है, ध्यान रहे स्टॉक मार्केट से
अच्छा पैसा बनाने के लिए। इसलिए आप ध्यान दें हमेशा कि आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए प्रिपरेशन। थैंक यू।